हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आई हूँ। पाकिस्तानी वाइजेस इंडियन ड्रामों के कुछ इलॉजिकल, पाकिस्तानी तो हम नहीं कह सकते बट इंडियन मैं कह सकती हूँ। अच्छा गाइस, इंडियन ड्रामे तो आप सभी वॉच करते हैं और पाकिस्तानी भी वॉच करते हैं, और आई नो डैट के पाकिस्तानी सीरियल जो है ना वो बेटर है इंडियन सीरियल से भी। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? उसके इनकी जो है वो एपिसोड 40-35 या ज्यादा से ज्यादा 50, इससे ज्यादा एपिसोड्स नहीं होते और बिल्कुल क्रिएटिव सीन्स होते हैं, रियलिटी दिखाते हैं, कुछ बोंगियां नहीं मारते। तो दैट्स इट कि आई लव पाकिस्तानी ड्रामास बिकॉज इनकी ये वजूहत है। बट इंडियन ड्रामे ऐसे ड्रामे होते हैं कि उन बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं, हम वो साथ निभाना साथिया ड्रामा था वो, जब मैं 2 स्टैंडर्ड में थी तब वो स्टार्ट हुआ था, मैंने मैट्रिक कर लिया था बट वो आई थिंक ख़त्म नहीं हुआ था या ख़त्म हो चुका था, आई डोंट नो, मुझे उसका एंड नहीं याद। कुछ एपिसोड्स मैंने देखे थे। तो गाइज, आप देख सकते हैं कि इतने लॉन्ग ड्रामे होते हैं। तो गाइज, इसी के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ फ़नी और इलॉजिकल सीन्स। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो सीन्स वॉच करने के बाद हम बात करते हैं। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो गाइज, चलते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो की तरफ। ड्रामा स्लैप सीन्स ये पड़ा, ये पाकिस्तानी स्लैप सीन्स हैं, बहुत ही आराम से और इजीली कपड़े पड़ रहे हैं, कोई ऐसा वैसा रिएक्शन नहीं है। अब इंडियन ये आई है चलती हुई, धूमताना धूमताना धूमतारा म्यूजिक ये पड़ी। ओह माय गॉड, ये देखे गाइस, जूम इन जूम आउट फेस रिएक्शंस, वो पड़ा था ऊपर, वो गिरी नीचे सबके फेस रिएक्शन, इतने सारे लोग खड़े होते जब इन्हें धक्का पड़ता है। आपने देखा कि ये स्लैप सीन क्या था, पाकिस्तानी ड्रामा में इजीली स्लैप जो नॉर्मली जैसे सब रिएक्ट करते हैं, जिस तरह सबको थप्पड़ पड़ता है, जिस तरह मुझे पड़ा था, मैं 10 minutes later नॉर्मली रिएक्ट करूंगी, सबके फेसेस नहीं दिखाएंगे। और इंडिया भाई साहब, इंडिया में देखे कि उस बेचारे को थप्पड़ पड़ा है, सब नानी दादी परदादी सबके फेस रिएक्शन दिखाए उन्होंने, और देख सकते हैं आप गाइस। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट सीरियल कौन सा और आपने सबसे ज्यादा सीरियल कौन सा देखा है और कितने शौक से देखा और कितना टाइम देखा है, इंडिया वाइज इज पाकिस्तानी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ गाइस, सीन में देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है गाइस। तो गाइस, नेक्स्ट हमारा सीन ना धक्का सीन, ये धक्का दिया सिंपली वो गई, और ये उसको उसकी माँ ग्रैंड माँ ने धक्का भी दिया और थप्पड़ भी मारा, वो किस तरह घूमती 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 गई है, और उसने क्या किया है दुपट्टा ही अपने सर से बांध लिया है। कौन है ये लोग? ओह माय गॉड गाइस, ये देखें, ये गाइस आप देख सकते हैं इसको सिंपल चक्कर आए हैं और वो सिंपल गिर गया है, और इसमें देखिए उसको चक्कर आ रहे हैं, वो नीचे गिरी आराम से, उसका सर दीवार के साथ लगा है। ओह माय गॉड, और वो ब्रीफकेस में फिक्स हो गई। ओह माय गॉड गाइस, आपने देखा वो ब्रीफकेस में फिक्स हो गई और उसकी जिप बंद हो गई। यार नॉर्मली सीन में उसको वो बेहोश होने वाली होती है या उसको चक्कर आ रहे होते हैं तो वो सिंपली सीढ़ियों पे बैठ जाती है, गिर जाती है, नो ओवर रिएक्ट। और वो इंडिया के सीरियल में आपने देखा कि वो उसकी उसको चक्कर आ रहे होते हैं और वो उसका सर दीवार के साथ लगता है और दीवार के साथ लगने के बाद वो ब्रीफ केस में फिक्स हो जाती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अयो तो गाइज, हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और नेक्स्ट वीडियो है तीली लगाना, मतलब कि किसी चीज को जलाना, जलाने का रिएक्शन कि पाकिस्तानी ड्रामों में और इंडिया के ड्रामों में किस तरीके से जो है ना वो जलाते हैं किसी चीज को। ये पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है, इसने मैच बॉक्स लिया और सिंपली फेंक दिया, जला दिया, दैट्स इट। अब आगे है इंडिया, तीली चलाई, मैं जरा चाय बना लूं जब तक वो तीली को देख ली है। 10 minutes later गाइस, उस तीली को वो अभी तक देख रही है, जस्ट वॉच कर रही है। 2 hours later वो सोच रही है मैं जलाऊं या ना जलाऊं। देखिए सर, साइड से फेस रिएक्शन, डे 2, डे 3, डे 4, अभी तक नहीं जलाया,
ओह माय गॉड, ये गया, जल गया। ओह माय गॉड। 10 मिनट्स लेटर। अब वो हंस रही है, अब वो खुश हो रही है कि मैंने, अब देखिए जलाने की बात भी कितनी देर तक उसका फेस रिएक्शन दिखा रहा है। आपने देखा कि ये एक पाकिस्तानी सीरियल था और एक इंडियन सीरियल सीन था। ये तीली लगाना मतलब किसी चीज को जलाना, तो उसके पाकिस्तानी सीरियल में सिंपली उसने मैच बॉक्स लिया है और माचिस की तीली को जलाया और सिंपली जो है उसने उस तीली को उसको जला दिया है। और सीन देखा आपने, उसने सबसे पहले मैच बॉक्स को पकड़ा और फिर माचिस की तीली को जलाया, देन उसको देखती रही देखती रही देखती रही। पता नहीं क्या सोच रही थी बेचारी, दुखी की मारी, दुखी आत्मा, कि मैं इसको जलाऊं या ना जलाऊं, मैं क्या करूं, ये वो। पर उसको काफ़ी देर वॉच करती रही और फिर फाइनली उसने डे 4, डे 1, डे 3, डे 2, कितना रिएक्शन बना ना इस वीडियो में कि कितना टाइम वेस्ट करते हैं ये लोग। और आई थिंक इसी सीन में ना डेफिनेटली मुझे पता है और मुझे यकीन है, वैसे मैंने ये सीरियल देखा नहीं है, मुझे पता है कि 5-6 एपिसोड तो पक्के गुजर गए होंगे और फिर फाइनली उसने उसको जला दिया। तो गाइज अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। नेक्स्ट सीन में देखने वाले हैं कि इसमें क्या कुछ आ रहा है। ये खाना लेकर आ रही है और बच्चा उसके सामने से गुजर गया। ओ माय गॉड, सबके फेस रिएक्शन, पापा, दादी, अम्मी, अब्बू, सबके। और वो खाना अभी तक हवा में है। ओ माय गॉड, ओ गाइस, देखा आपने? ओ माय गॉड, छोटी गाइज आप लोगों ने देखा कि वो खाना लेकर आ रही थी और वो उसके सामने से किसी बच्चे ने क्रॉसिंग की और खाना उसके हाथ से, खाने की जो थाल थी वो गिर गई और वो गिरी नहीं, वो हवा में ऊपर उछली। कैच कैच वाला मैच हो रहा था आई थिंक यहाँ पे। ये कोई मैजिकल ड्रामा सीरियल था तो इसमें कोई लड़की थी, उसने आई थिंक खाना बचा लिया था। रियल में आप ट्राई जरूर कीजिएगा, अगर आपके हाथ से कोई बर्तन गिरता है या खाना गिरता है तो वो पहले तो वो हवा में जाएगा, अच्छे से वो हवा में सैर करेगा, घूमेगा फिरेगा, खुली आसमान, खुली हवा को देखेगा, देन वो जो है वो नीचे आराम आराम से गिरेगा और खाना उसमें से ज़रा भी वेस्ट नहीं होगा। क्या रियल में ऐसा होता है? ये हाल है इंडिया के ड्रामा। देखा ना गाइस, आपने देखा कि ये रियल नहीं दिखाते, ये बिल्कुल फेक चीजें दिखाते, इसलिए तो ड्रामा जो हुआ। लेकिन फिर भी अगर ड्रामा भी है, ड्रामा हम लोग किस लिए बनाते हैं? लोगों को कुछ लेसन देने के लिए या कोई स्टोरी बनाने के लिए, बट कोई स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो रियल हो, जो हमारी रियल लाइफ से मैच करती हो। मतलब पाकिस्तानी ड्रामा में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि ये लोग रियलिटी दिखाते हैं और घरेलू लाइफ दिखाते हैं और कोई ऐसी वैसी बोंगियाँ नहीं दिखाते और कोई ऐसे वैसे सीन नहीं दिखाते, एग्जैक्ट वही दिखाते जो हमारी रियल लाइफ में होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपका फेवरेट सीरियल कौन सा है और आपको सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सीरियल पसंद है या इंडिया के। और अगर आप लोग इंडिया से हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने बिल्कुल सही रिएक्ट किया है, कहीं आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा यार, लेकिन मैंने रियलिटी बताई है कि ऐसा होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।